हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी लोगों को। यार मुझे समझ में आ रहा है कि यार बॉलीवुड किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मतलब यार पहले तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली मूवीज बनाते थे, जैसे कि कभी अलविदा ना कहना, मतलब करण जौहर की बात करो। अब हाल फिलहाल में घराइयां वाला ट्रेलर आया जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया जो। लेकिन बॉलीवुड अब एक और एंगल पर मूवीज बना रहा है, यानी कि गे और लेस्बियन। और देखो मेरा ऐसा मानना है कि गे और लेस्बियन पैदाइशी नहीं होते, ये एक तरह का अट्रैक्शन है जो लड़के और लड़कियों में आता है। लड़कों का लड़कों में अट्रैक्शन और लड़कियों का लड़कियों में अट्रैक्शन। तो अभी गलत है या सही है मुझे नहीं पता, और मुझे इस पर कुछ भी कमेंट नहीं करना है, लेकिन आपको क्या लगता है वो मुझे ज़रूर बताना। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में बॉलीवुड चाहता है कि वो समाज में जितने भी लोग हैं वो लोग गे या तो लेस्बियन बने, क्योंकि उनकी मूवीज ही ऐसी आ रही। चंडीगढ़ करे, आशिकी हो, या फिर अभी ये बधाई दो। लड़का गे है, लड़की लेस्बियन है, दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं जबकि उनकी मर्जी भी नहीं है। फिर तो उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, ये सब हमको मूवी में देखना है। अब इस तरह की मूवी आपको क्या लगता है, क्या आप अपने बच्चों को दिखाओगे, या आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखोगे, या आप लोग खुद जाके देखोगे और आप लोग चाहोगे कि आपके बच्चे गे या लेस्बियन बने? और अगर सोचोगे एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गे और लेस्बियन हो, तो वो दुनिया आगे बढ़ेगी कैसे? मतलब जो चीज़ कुदरती है ही नहीं, अगर उस चीज़ को हम लोग लेके आएंगे तो फिर कयामत तो आना ही है। तो इस तरह की मूवी का मुझे तो कोई सेंस नहीं लगता। और वो जो ऑडियंस ऐसी मूवीज़ को देखते हैं 100% वो लोग या तो गे होंगे या तो लेस्बियन होंगे, तो ही ये मूवीज चल रही है। तो अगर ये मूवीज चल रही है तो मतलब हमारे सोसाइटी में गे और लेस्बियन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। या आप लोग भी चाहते हो कि आपके घर में कोई ना कोई गे और लेस्बियन बने ऐसी मूवीज देखकर, तभी तो आप लोग ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हो। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो बॉलीवुड वाले से तुच्छी मूवीज नहीं बनाएंगे। और बॉलीवुड वालों को ब्लेम करना सही भी नहीं, क्योंकि बॉलीवुड वाले पहले से ही मल्टीप्लेक्स ऑडियंस, यानी कि जो ऐसा बैठ के देखने वाले ऑडियंस के लिए मूवीज बनाते हैं। और मल्टीप्लेक्स ऑडियंस में मुझे ऐसा काफी लोग गे और लेस्बियन हो गई आज की तारीख में, लेकिन वो जो मास ऑडियंस है उनको ये सारी चीजें नहीं पसंद आती, तो इसलिए वो लोग साउथ की तरफ भाग रहे हैं। और इसी वजह से साउथ वाले आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अगर आप लोग साउथ की मूवीज को देखो तो वो लोग इन सारी चीजों पे मूवीज नहीं बनाते, लेकिन बॉलीवुड खास करके इन्हीं टॉपिक पर मूवीज बना रहा है। तो अब आप लोग या तो इन मूवीज को बॉयकॉट करो, या तो फिर आप लोग सपोर्ट करो, वो आपके ऊपर है। बधाई दो के ट्रेलर के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, यार मैं कोई बधाई नहीं देने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आपको अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और जो गे और लेस्बियन उनको इतना बोलूंगा, यार मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूं, बट ऐसी मूवीज के तो मैं डेफिनेटली खिलाफ हूं। तो यार बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।